दोस्तों नमस्कार, बोल गंगा मैया की जय। आज हैं हम गंगा संगम में, प्रयागराज में। तो दोस्तों गंगा जी का बहुत बड़ा विशेष फल होता है। कहते हैं गंगा जी संगम स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और गंगा का बहुत बड़ा महत्व होता है। गंगा नामक युवती जो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई है, तो गंगा का स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो बोल गंगा मैया की जय। चलिए गंगा जी का हम दर्शन कराएंगे आपको, और गंगा जी का जो है ये करेंगे आपको, और भी चीज़ें दिखाएंगे इलाहाबाद के भी। तो हमारे साथ बने रहें। यदि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। पहले दुकानें नहीं खुली थी, लेकिन अब दुकानें खुल गई हैं। तो आपको जल प्रसाद के लिए आपके डिब्बे ले सकते हैं, तरह तरह के डिब्बे हैं, जल के लिए डिब्बे हैं, आजकल इस टाइप के भी डिब्बे आने लगे। कितने का डिब्बा है? अरे बाप रे, 60 बहुत महंगे हैं। नारियल सूखे वाले? अच्छा, सामग्री है। गंगा मैया की फोटो है। अभी रुक जाइए थोड़े, अभी तो वो पंडित जी के पास आए हैं, थोड़ी अभी रुकना पड़ेगा। प्रसाद भी है, प्रसाद भी मिल जाएगा, माला भी मिल जाएंगी जो माला चाहिए। ये माला, ये उसके भी माला है, रुद्राक्ष पतले रुद्राक्ष मटे रुद्राक्ष। और ये कौन सी माला है? ये कमलगट्टा। तो इसको अच्छा लक्ष्मी जाप के लिए 108। तो ये कितने का है? 200। 200 ज़्यादा नहीं बता रहे हैं? ज़्यादा नहीं बता रहे, कमलगट्टा मिलता कहाँ जल्दी, महंगा आता है। तो सही दाम उसका ये लेंगे तो कुछ कम होगा? 10 नहीं, 100। चलिए कमलगट्टा तो लक्ष्मी मंत्र जाप के लिए है, लक्ष्मी जी का मंत्र जाप के लिए है ना। हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। और एक दुकान यहाँ भी है, यहाँ पर तो माले नहीं है लेकिन डिब्बे हैं 5 लीटर 10 लीटर के। तो धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, अभी सुबह का समय है ना। ये डिब्बे बस आई है बाहर से, उतर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही मार्केट बड़ा है, अलग अलग जगह से बसें आई। तो मेरे ख्याल से पूरे भारत से लोग आते हैं पर डे, तो ऐसे ही लाखों लोग अयोध्या जी में संगम स्नान के लिए आते हैं, और अस्थि विसर्जन के लिए हर रोज न जाने कितने लोग आते होंगे माँ गंगा जी में। तो ये माँ गंगा का अपने आप में विशेष महत्व है। तो हम आपको गंगा जी स्नान कराएंगे। गंगा जी स्नान से ही मोक्ष की प्राप्ति लिखा है ग्रंथों में, और बहुत अच्छा है। साल में एक बार जरूर माँ गंगा का स्नान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अस्थि विसर्जन के लिए आए हैं, तो वो कार्यक्रम भी दिखाएंगे आपको, हमारे साथ बने रहें। आंध्र प्रदेश से भी लोग आए हैं, आंध्रा के लोग, तो पूरे देश पूरे राज्य से लोग आते हैं। कार आज है 29 मई 2024। आज है हम माँ गंगा जी के किनारे संगम। इस समय जल स्तर भी बहुत कम है, यमुना जी का भी और गंगा जी का भी। तो आपको है, तो हमारे साथ में है
श्री विनोद स्वामी जी और भी लोग पहले भोपाल भी गए थे, वो नमन साहू है प्रकाश साहब सब लोग। ये फूल, फूल कितने का दे रहे हैं? एक दोना पता दस रुपया में। चलिए ठीक है, देखते हैं ये क्या लेके जा रहे हैं। पानी पहला बेच रहे हैं, ये दुकान यहाँ दिखाते हैं आपको। ये ई रिक्शा है, यहाँ भी बहुत बड़ी दुकान है। प्रसाद है, माँ दुर्गा जी, शारदा जी, रामचंद्र जी की फोटो है, माला भी है विशेष प्रकार के, ये गौ माता भी है, गाय लग भी रही है यहाँ गंगा जी के किनारे। ये देखिए गाय माता दूध दे रही है, ये तीर्थ स्थानों का विशेष महत्व होता है। मस्त शुद्ध दूध गाय का बहुत बढ़िया होता है। वो दुकानें भी खोल रहे हैं लोग यहाँ। बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, मुझे लगता है कि लाखों लोग हर रोज संगम में आते हैं गंगा जी संगम, क्योंकि पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में गंगा का जो स्नान है वो संगम ही है। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में माता गंगा जी का विशेष महत्व, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी गंगा जी किनारे भी लगे हुए एक नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत प्रसाद जल, हाँ यहाँ स्नान करने का भी बना हुआ है, नीचे घाट बना है और यही प्रयाग है, संगम दूर आगे है जहाँ बुड़की लगाते हैं। संगम तक जाने के लिए नाव करना पड़ता है, तो हम यहाँ से अभी नाव करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि संगम का स्नान है। संगम प्रयागराज नहीं उठा रहे भैया कोई, कौन यही संगम में जो है संगम स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इलाहाबाद खाली खाली अभी खड़े खाली। मैं आपका आदमी बहुत भीड़ रहती है दोस्तों। ये विशेष प्रकार के पत्थर हैं, लाल पत्थर, क्या बन रहा है, घाट बन रहा है शायद। घाट ही बन रहा है,
इसके पहले भी बन चुका घाट ही। वहीं पे अपना काम हो रहा है, संगम यहीं पे है। ये जो झंडे दिख रहे हैं ये है गंगा यमुना जी का संगम। यहीं पे बुड़की लगाने से बहुत अच्छा माना जाता है और अस्थि विसर्जन का भी विशेष महत्व कहते हैं। जीव जो है, इंसान जब दुनिया से जाता है लेकिन कहीं भी उसका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन उसकी अस्थि विसर्जन यदि गंगा जी में कर दिए जाते हैं तो वह जीव मुक्त हो जाता है, ऐसे पुराणों के अनुसार है। तो वो भी सही है। तो बहुत 24 घंटा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यहाँ। जैसे नाव से अभी ये कुछ लेके जा रहे हैं, ये अब इसमें क्या है समझ में नहीं आ रहा, ये इलेक्ट्रिक बोट है ये। तो ऐसे ही गंगा ये किनारे देश विदेश से लोग आते हैं, भारत ही नहीं भारत से बाहर के भी लोग गंगा जी में अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। और बहुत महत्व है गंगा जी यमुना जी का। यमुना जी सूर्य पुत्री हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा है आपको घर बैठे गंगा जी के दर्शन करा रहे हैं संगम का प्रयागराज। दोस्तों यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। वैसे मेरे अधिकांश मोटिवेशनल वीडियो बनते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है भारत देश में। अब ये भी घाट बन रहा है जो दिख रहा है आपको सामने, ये जाली वाला, ये यहीं पे बन रहा है। इसके लिए ये पत्थर आ चुके हैं, ये पत्थर। तो पूरे भारत का सौंदर्यीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, ये सब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का योगदान है। वो देश को, पूरे देश का विकास चाहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री भी देश में बहुत कम मिलते हैं और जो देश को इतने आगे लेके जाएं, वो महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष को भी प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ कार्यक्रम होने के बाद हम यहाँ से वापसी होंगे। तो ऐसा ही है जो आपको हम दर्शन करा रहे हैं। उस पार भी उतना ही भीड़ है जितना इस पार। अपने क्षेत्र के, जिला के अलग अलग पंडा रहते हैं, पंडित जी जो बोलते हैं, जो कार्यक्रम करवाते हैं। तो जिला राज्य तो ऐसा रहता है। चलिए अभी संगम स्नान करेंगे, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। संगम स्नान करने के बाद वापसी होंगे। तो दोस्तों नमस्कार। चाचा है ना, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ प्रकाश।
देखो उसमें पवित्री है गुलाब के अंदर ऐसा बहुत होशियार है ना बाबा जाना था बाबा देख देख के जल गिराओ मैंने आपसे बगल कुछ पहले हाथ में गिराओ तीन बार दियो अंदर तीन बार पानी दियो पीलो पीलो ओम केशवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा सत्वप्रच्छाय नमः गोविंदाय नमो नमः आदि कितने हाथ दिलो ओम बोल बोले हमको सुनाएंगे गलत बोलोगे अच्छे बोलो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि मकरभाजनम कुरु में पिताजी नमस्कार ग्रुप ब्रह्मा जो कि स्कूल लाया खा के आ गए महाराज का तो वह ये पंडा ले गया ऐसा हाँ ओम ग्रुप ब्रह्मा एक बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात गुरुवे नमः नारायण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे राम हे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे पद्मनाभाय नमः हाँ भाई नमः महाराज भी कमजोर गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः विघ्नेश्वराय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः छोड़ पांचवा
दाहिने हाथ में लेना है फूल और बायां हाथ से फूल देवता भी होता है उसी में यही दाहिने हाथ से। हाँ जल थोड़ा सा जल। हाँ फिर हाथ सीधा कर दो ऐसा शाबाश। हाथ जोड़ो नदी है गंगा यमुना सरस्वती एक बार नमस्कार नमस्कार ऐसा फिर चावल खोला फिर नमस्कार करो गंगा यमुना ओम ओम विष्णुर श्री श्वेता श्री श्वेता शमनम आराधन्ते देवस्य मन्वन्तरे अष्टादिन कलियुगे प्रसंपादे जम्बूद्वीपे व्रजखण्डे विष्णुः प्रजापति क्षेत्रे अनुकूल मध्ये अंतर्मिथ्यम कालिंग्यः उत्तरे तीरे श्रेष्ठ बुद्धिभागे विक्रम कथे बौद्धावतारे मंगलनाम सम्मत्सरे कृष्णपक्षे नाम बोले नमन साहू 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 गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी महासंकल्प गंगा पूजा भविष्य नमः
राम राम पिताजी का नाम बोल के उसके अंदर डाल दिया। हाँ राकेश कुमार साहू कश्यप बोल कश्यप ऐसे डालना है हो गए कोई दिक्कत नहीं है पांच जल डाल लो। हाँ हाँ ऊपर जल से डालो गिर जाए पिताजी पिताजी हीरा लाल साहब बस ये बात बस नारायण नारायण महामंगलमासे कृष्ण पक्षे ना नाम गोत्र मंडलो अमुक नाम अमुक गोत्र त्रिवेणी स्नान उपरांत ब्राह्मण सहित समेत अन्नदान ब्राह्मणाय आशी अत्र सर्वपूर्ण मस्त हो जमीन मिशो थोड़ा थोड़ा कप्पू कुमकुम हल्दी गुलाल चावल तिल थोड़ा थोड़ा डाल दो अपने हाथ से डाल दे हाथ ले अपने हाथ से डाल दे उठाना भैया जैसे भैया उठा रहे हल्दी उठाओ फिर चावल उठाओ फिर दूध उठाओ थोड़ा थोड़ा सामान डालो हाँ आप डालो उठो खा रहे एक एक करके डाल दो हाँ डालो देखो हाँ भैया जय श्री राम हाँ काम चालू मथुरा माया वंतिका गुरुद्वारा नतीश चौबे मोक्षा यावत् पिंड यावत् अस्ति मनुष्याणां गंगा तो ही प्रतिष्ठते यात्राणि लोके महीयते महीयते पिताजी नमस्कार करो अभी वहाँ नहीं गए हो समुद्र में गया जब जाओगे तो पता चलता है खारा पानी पूरे विश्व के लोग आते होंगे भाई यहाँ संगम विदेश तक के हाँ विदेश से भी आते हैं और हर दिन लाखों आदमी हैं
बड़ा संगम दरबार, विश्व का सबसे बड़ा संगम है। ये ककड़ी वाला है, ककड़ी का आनंद बहुत बढ़िया। जो पढ़ोगे ना कहीं खड़े खड़े अच्छा लगे।